ऋण कार्यक्रम गजे सिंह जी राजपुरोहित त्रि सत्य प्रकाशित करती प्रगति प्रीत त्रय लोकार्पण समारोह में मैं आप सब रोगणे मां स्वागत अभिनंदन करूं। आज रे इन कार्यक्रम राशि पावना अध्यक्षता कर रिया डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी साहब, जिन्हें वास्ते मैं कह सकूं कि मान बढ़ावे मुल्क में, मान बढ़ावे मुल्क में, सांप्रत राखे शान, सही तरह पथ चालन है अनिमी आई दान, सही तरह पथ चालन है अनिमी आई दान। डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी साहब श्रद्धे गुरुवर जी का सानिध्य में मने कॉलेज में पढ़ने का सौभाग्य मिलियो। आदरणीय अतुल जी कनक, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, अकादमी सु पुरस्कृत, समीक्षा सारू और बीज वक्तव्य देवण वाला आदरणीय राजू राम जी बिजारणिया, साहित्य अकादमी रे युवा पुरस्कार सु समादृत, और साथ ही आज इन कार्यक्रम में जिन जिन किताब रो लोकार्पण हुए वेरियो है, जिन माते चर्चा है, वे डॉक्टर गजे सिंह जी साहब राजपुरोहित। और आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही साहब, ये आवाज आप हाँ, आदरणीय गजे सिंह जी राजपुरोहित साहब, अरे नाखर्रा सूत्रधार, जिन्हें वास्ते मैं कह सकूं के उन्हीं यारो आखर तनो, के उन्हीं यारो आखर तनो, भलो साहित्य भूप, अपारंगत परमोद है अनुपम मरु अनूप, अनुपम मरु अनूप। और कह सकूं के बैसी कविता वा विमल, बैसी कविता वा विमल, कैसी भल कोतार, भरसी समुद्र भावरो आखर में इन बार, आखर में इन बार। डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित्री आकृति डॉक्टर राज गजे सिंह जी राजपुरोहित्री आकृति परंपरा री जमीन माथे आधुनिक दी ढंगेज थी साहित्यिक कृति है। मैं कह सकूं राजस्थानी श्रृंगी संस्कृति और मनभावनी प्रकृति विधातारी अनुपम करती है, अठे लोक रे आलोक में उजल अतीत पवित्र प्रीत रंग रूढ़ी रीत कणकण में प्रतीत है। इन धरती माथे एक कानी वीर वीरांगनावा धरा धर्म और मान सम्मान सारू त्याग और बलिदान री गाथा मा रचाई, तो दूजी कानी अठेरे लोक देवी देवतावां शोषित उपेक्षित आमजन सारू खड़ग उठाई, उठे ही प्रेम पथ पर बेवणिये लोक नायक नायिकावां उजल पीतरी पताका उजड़ आवे में फेराई। आज ही राजस्थानी मानखेरी मानखेरो मन इन्हीं परंपरा में रचे बसे अरमे, राजस्थान सिंध और सौराष्ट्र ताई प्राचीन प्रेमाख्यानारी स्वरम आज ही पसरियोड़ी है, जको आधुनिकता रे वायरस जफीड़ी जुड़े मानस रे दाजते हिये में प्रीतरा पड़का पाड़े और ठंडक बुगावे। अठे मुमल महेंद्रा जेठवा उजली ढोला मारू आबल खेवजी आद प्रेम कथावां घनी चावी रही है, लोकरी परंपरारी जड़ा माथे उभी इन प्रेम कथावां ने आधुनिक दीट सु विकसाव करण वाली कवि डॉक्टर गजे सिंह जी राजपुरोहित्री सद्य प्रकाशित करती है पड़कती प्रीत। डॉक्टर राजपुरोहित इन आलोची करती में प्राचीन मध्यकालीन 11 प्रेमाख्याना ने ऊंडी दीठ और गहरी समस्तों आधुनिकता बोध रे साथे पाठ का रसा मीरा किया है। कवि राजपुरोहित राजस्थानी छंद मुक्त कविता में पुरानी प्रेम कथावा ने विस्तु बड़ावण विषय वस्तु बड़ावण नी खेचल करी है, जो को श्रवण जोग है। इन काव्य संग्रह रो प्रतिपाद्य विषय प्रेम होता थकाई, इनमें लोक संस्कृति और परंपरा रा स्वर मुखर है। कवि री आ सविंद्रा तो कवि व्यक्ति पढ़नीय ने प्रीत लोक में पुगार झिझोड़ नाक है। ए प्रेम कथावा सदियां ताई राजस्थानी मान खारे मन ने मखती रही है। आज ही अठेरे भिणिया पढ़ियाई नहीं अपितु अनपढ़ जनरी जवान माथे ही ढोला मारू बागजी जेठवा आदरा दोहा सोरटा थिरकता रहे। कवि डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित
प्रेम कथाओं में अंतर्निहित प्रेम सूत्र ने सरल सहज और संप्रेषणीय भाषा में अनुप्रास श्री लड़िया पवता थका नवी तीर्थ खोलन नो जाजो जतन करियो है। जिनमें करो प्रेम ही नहीं है तत्कालीन समय ही अनुगूंज पर सुनिजे। समग्र कृति में कवीरी कल्पना राखे कारण मुक्त होयर दौड़ता रहा है। पविच कारण है कि कवि कविता ने प्रबंधात्मक स्वरूप दे सकियो। कवीरी कल्पनाशीलता रोच एक प्रमाण है कविता वारा शीर्षक जगो घना निराला निकेवड़ा और मन मोहना है। यथा केहर काले जी रिकोर मारू पीव मिलन नो जोग मेंद्रा एकर पाचो भाव। इन शीर्षिका में प्रीत रो समन्वित स्वर है जको पाठक ने पूरी कविता पठन सारू प्रेरित करया करे। आंचलिक तारी सोरम सुंग सराबोर इन कविता मारे नायक नायिका मारे चरित्र में फगत देहिक सुख होगनी है बल्कि आत्मीय लगाव है जको निर्मल निचल और गंगधारा समान विमलपण है। एक कविता मां इन बातरी शाखीदर है कि भुजबल सु युद्ध जीतियो जा सके पर प्रीत नहीं। साची प्रीत जात धर्म अमीर गरीबी आद ने नहीं देखे और जदई तो भारमली राव मालदेव ने छोड़न बागे कोटड़ी ने अपनावे कवर केहर सारू जीवे भूबना जलालरी हो जावे। कवि राज पुरोहित मुक्त छंद में लिखता थका छंद रहे महत्व ने समझे। मुक्त होता थकाई आरी भाषा छंद रहे घनी नेड़ी है। आज कविता रे नाम आती गद्य और पद्य एक मेक वेग्य है। एड़े अबके वक्त में आकृति कविता रो साचकलो उनियारो ओढ़खावे अरे खास लय सु कविता ने रुखालन जतन कर। राजस्थानी री मूल काव्य धारा छंदबद्ध सुप्रेरित होमन ने कारण इन कृति में धनक ध्वनियत्वता री गूंज प्रत्यक्ष होनी चाहिए। जैसे तिन तूठो इंदर धरती धनजू हरसावे घड़ 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 गहरो मधुरो गाजे पड़ 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 परनाड़ारो पानी बाजे। कवि नवी दीठ रे साथे कविता में सवाल करे जगो कणीपन से हृदय ने कालजे तई भींद दे। धीव कद वेती बाप कर्मी क्यों जल में मानस रे आंगन कई एड़ो हुए बाप। कवि राज पुरोहित इन कविता वारे ओढ़ावे समाज तो सवाल करे रूढ़िया ने तोड़न ना जतन करे और प्रीतरी परनाड़ा बहावे। कवि राज पुरोहित री काव्य कृति में अंत्यानुप्रास रूपक उपमा श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश आदर साथे वैन सगाई आद अलंकारारी छटा पृथक दिखे। पोथी रे अंत में कथा परिशिष्ट दियोड़ो है जको अनजान पाठका ने प्रेमा क्या नारी कथानकारी जानकारी देवण में कारगर सिद्ध होवेला। निश्चित रूप से परंपरारी जमीन माथे आधुनिक दीर्ज अंग्रेजी आकृति भाव भाषा कथ्य और शिल्पी दीर्ट सु राजस्थानी काव्य में आपरी ठावी ठोट बनावेला। कवि डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित ने घनी मोगली बधाई और शुभकामना। नमस्कार महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूं कि गजय सिंह जी आपरी पुस्तक में से कोई एक छोटो सो अंश सुनावे तो आप इसे शुरुआत करा। गजय सिंह जी सर, सबसे पहला तो मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन रे सगला पदाधिकारी और सदस्य रो गणेमान आभार मानू के वे आज इन अवसर माते राजस्थानी काव्य कृति पढ़ती प्रीत रे साहित्यिक चर्चा रो एक अंजस जोक आयोजन राखियो। और इनीज कड़ी में सबसे पहली में आभार मानू राजस्थानी भाषा रा ख्यातनाम कवि और आलोचक आदर जोग डॉक्टर आयदान सिंह जी भाटी साहब रो के वे आपरो आपरी रजा मंदी दी अपनी सहर स्वीकृति दी और आज अपने बिचारे आशीर्वाद देने वाटे खुद पधारिया। मैं गणेमान आभार मानू आदर जोग श्री अतुल जी कनक कोटारो कि वे भी आपरी पारखी दीठ सु आपरी आलोचनात्मक बात आज थे इन कृति माथे राखेला। सागे सनेही युवा साथी
आदरजोग राजू राम जी बिजारणी और स्नेह साथी महेंद्र सिंह जी छाइंडो भी गृहमान आभार कि वे आज आपरी बात अठे इन पड़कती प्रीत माते राख रिया है। पड़कती प्रीत बाबत में कीने के हूँ और जो मने आदेश वियो है आदर जो प्रमोद जी भाई साहब फरमायो कि मैं एक रचना आप लोगों तक पुगाऊ तो मैं आपने मेरी पहली रचना ही आप लोगों तक पुगाऊनी चाहूंगा। वह पहली रचना उजड़ी उजड़ प्रीत उजास जेठवा और उजड़ी जो प्रेमाख्यान है लोक में आज ही गणो चाहो और गणो प्रसिद्ध है लोक रे कंठा बसियोड़ो है। आ रचना लिखन सु पहली मारे दीट में एक उजड़ी रो चलचित्र भांति एक दृश्य सामी आवे और वो दृश्य है कि उजड़ी सड़क रे माते बैठी है और बैठी बैठी विचार कर रही है कि मैं जो को करियो हूं या मने आने वाला समय में जो को करनो है या जेठ वो मारे साथ जो को व्यवहार करियो है उन व्यवहार ने वा लक्षित करे पर उन मार्ग माते बैठी उजड़ी विरह में तड़प रही आपरा प्रियतम रे याद में आपरा प्रेमी रे याद में उन समय उजड़ी सु एक सवाल जवाब रे बहाने कविता री शुरुआत वे एक सकारात्मक दीट साथे मारो उजड़ी सु सवाल है और आ रचना शुरू हुए रचना आपरे सामी राख रही हूं। रचना रो शीर्षक है उजड़ी उजड़ प्रीत उजास। उजड़ी ओड़ू में उड़जी काई चितारे किनेरी जोवे बाट अजे क्यों नहीं आयो बावड़ी कद हुयो थारो ब्याव किनने कुण भेजियो सकपण रो नारेड़ ढोलरे ढमके घोड़ी चढ़ कुण बांधियो तोरण कुण गाया मंगल गीत कुण चेप्या कुंकू चावल हद भात राचियो वेला हतले वारो हेत सुरंगी सेजा कुण सजाई कुण झड़िया प्रीत किवाड़ मावड़ कद दीनी ही सीख साथनिया गायो वेला सुवटियो थू दीठा कई सासरियरा रूंक मेड़ी में दिवलो कद जोयो। मारा आ सगला सवाला ना जवाब रूप में उजड़ी आपरी एक ही शब्द में आपरा सगला सवालों जवाब देवे कि मानस परमारत गर्वास उजड़ी उजड़ प्रीत उजास। झूपड़ी वह झूपड़ी जी मैं उजड़ी और मारा पिताजी रेवता वह झूपड़ी रो दृश्य मारी नजर में कही है। झूपड़ी जुगा जुगा सु अडिक एकली अमरोजी बरड़ा वाली मानसरी मरजाद धर्मरी धजा फरूके सत कर्मरी साख भोम आ तपवाड़ी इन आंगन ही रमी रेत में देव पुरख बाबो सारे हेत में जंगल जीव जिनावर साथी वा फूली बेलड़ी मदमाती जो बनरी सोरम महकावे उजड़ी मन ही मन में शर्मावे सपना फगत मन बिलमावे पर जीवन सांच बतावे सांच ने आंच कटे अबलारो आधार जठे पड़क तो सतपतरो परकास उजड़ी उजड़ प्रीत उजास। पावना और जिन समय जेठ हो मैं अंधारी रात में उंडरे झोपड़ी रे बार ने आयन उभे तो आप राजस्थान री संस्कृति है अतिथि देवो भव और अतिथि री रक्षा रे वास्ते आपरा प्राण निछावर कर दे उणीज कड़ी में उजड़ी उन अतिथि रे रक्षा रे वास्ते आपरो पूरो जीवन होम दे आपरे जीवन रो बलिदान दे। पावना कद कद आवे देव स्वरूप मोत्यासु मूंगा जागे मिजमा नारा भाग उजड़ी देख बारने कुण आयो इन मह अंधारी रात बाबो सारो एक बोल एक आडो खोल हाँ दीठो एक अजान मानस अणचेते पड़ियो पंखाड़ पे डोकरो हिम्मत कर आयो मानस ने घर मा ही लायो विधाता ओ कई करियो आप पावनो ठंडो पड़ियो शाप घर में कोनी अगन जलाओ जीवनो मुश्किल है लाडे सर फगत एक उपाव मानस रा थुई प्राण बचाओ नव सगती सगती नव जीवन री आस उजड़ी उजड़ प्रीत उजास। नव जीवन और उजड़ी आपरे प्राणास्वे प्राण फूंक विने नव जीवन प्रदान करे नव जीवन
वो सवाल है मारो जेठ वासो कि नव जीवन कुण दीनो साच बोल जीवे किन विद जेठवा चेतो कर की चितार बाबेरण काली रात रिंद रोही में जद कुदरत काल बन थने मृत्युरे मार्ग ले चालियो तद काल ने पछाड़ जमलो करा छेला पागो त्यासु थने पाछो कुण लाए जोगो है के ना जोगो उन वेला आकुण सोची जोगो है के ना जोगो उन वेला आकुण सोची अणचेते अजान अबोला में खुदरा प्राण फूंक व थारा प्राण बचाया उन अबलारो आधार कठे जको नदी से जेठवा जीवता मानस री एक सांस उजली उजल प्रीत उजास जेठवा ए जेठवा ए परंपरावा राजरी रीता उन थरपी जिन समय जेठ उजली जेठवारे राजमहल में जावे और आपरे प्रेम रो निवेदन करे तो इन्हें जवाब मिले के आ माने परंपरा कोनी तो उन परंपरा मात एक सवाल है कि जेठवा ए परंपरावा राजरी रीता गुण थरपी आरो काई मोल जद खुट जावेला प्रीत ए पांगली परंपरावा कद दौड़ेला थारे राजरी रीता रेयत नी जोड़ेला गडरो घुमेज एकर अलगो नाक मेला सु बारे झांक कणकण में पड़के उजली प्रीत प्रीत जुग जुगरा बंधन काटे प्रीत अखूट आनंद बांटे नुगरा मानस प्रीत रे जात नहीं हुए प्रीत रे घात नहीं हुए निरर्थक है थारो मिनत जमारो मेहा थासु काई आस उजली उजल प्रीत उजास जोगण एक जल पी दो जाडे पाबे ठसरे पावटे नैनकी नाडे जीवन धापे जेठवा तो जो उजली और जेठारो जो को प्रेमा ख्याल इमें उजली वास्ते एक जोगन शब्द बार बार आवे तो उन शब्द की कई सार्थकता है वह मैं इन चंद में बताऊं आपने जोगन जिनसु लागो जीव वो मन बसियो पीव प्रीत मारो धर्म मारो कर्म मारा भाग जेठवा एकर अजेज जागे तो जाग ऊ भी हूं थारे बारने सुनी अनसुनी मत कर जान अजान मत बन आत्मरा आधार भवरा भांजन हार थने किया देऊं श्राप मारी प्रीत लाजे उजड़ी कोड़ी सु टलता हां वाला बिछड़ता हां अंतस ताला झड़ता हां प्रीतम पलटता हां जोगण हुईगी जेठवा मुलक में अजर अमर इतिहास उजड़ी उजड़ प्रीत उजास उजड़ी उजड़ प्रीत उजास उजड़ी उजड़ प्रीत उजास आ एक रचना में आपने सामी राखी प्रमोद जी भाई सब अब अपना जो युवा साथी अपने साथ है राजू राम जी मैं आप संवेदन करूं कि आप पुस्तक के बीज वक्त में आप लोग सबके सामने रख वर्चुअल पटल पर आयोडा सब जना वो मैं अभिवादन करूं। आईजी ने प्रणाम। आईजी संचय साहित्य जगत रा आईजी है बाने सल्यूट। अतुल कनक जी आदर जो गजय सिंह जी महेंद्र सिंह जी और प्रमोद जी आप सब ने प्रणाम। साहित्य सारू का यहाँ कहूँ राजस्थानी साहित्य सारू आखिर जी की खेचल कर रही है बा बड़ी गिरबजोग है भला मिनखारो सांतरो काम है इन सारू फेर मैं बाने आभार देऊं। और अब मैं पोथी पर बात करूं गजय सिंह जी रे लेखन पर बात करूं तो दो पंक्तियां शुरुआत करूं कि जे मांगे है प्रेम सू शीश धरा में काट जे मांगे है प्रेम सू शीश धरा में काट और आंख दिखाड़े जे कोई खड़ी में कर दिया खाट मिनख रो जिसो स्वभाव है बिसी बिंगी प्रतिक्रिया हुए प्रेम मांगिया तो नसी बाड़ दे देवे आ अपने राजस्थान री संस्कृति है संस्कार है पर आंख दिखाड़ा
पांच आकर सरापा सामी आ खड़ा हुआ। अभी सच्ची बात है, प्रेम री तासीर न्यारी हुए, प्रेम रा रंग जुदा हुए। मारी दीठ में प्रेम री एक बानगी आप देख सको, प्रेम कहीं है, प्रेम वीरारो बानो है, प्रेम परखे तो तानो है, प्रेम वीरारो बानो है, प्रेम परखे तो तानो है, रंगतरी बात के करनी प्रेम सतरंगी पानो है, मिनकपण प्रेम रेताणी नहीं तो खाली खानो है, प्रेम मीरा है राधा है, प्रेम सबरी के छानो है, प्रेम मुरली है होठारी, प्रेम रो नाव कानो है, प्रेम रो नाव कानो है। बट ही दूजी ठोड़, मीरा बाई ने प्रेम सारू आ बात ही कहनी पड़ी, कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत करिया दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। ए मीरा रा जीवन भर रा अनुभवी हा जिकारे पाण, मीरा आप्रिया बात के वे का प्रेम रो मार्ग सोरो कोनी है, प्रेम रो मार्ग कितो दोरो है, ई मार्ग पर चालनो खांडे की धार है, अरबिया ही प्रेम पर लिखनो ही खांडे की धारू कम कोनी, पने लोएगा चिणा चबाणेगा जिका जिका काम करियो है माने लखदाद है, बां लिखारारी फेरिस्त में एक नाम जो सिरे नाम आवे बड़े गुमेद सुनियो जा सके, वो नाम है आदर जोग डॉक्टर गजय सिंह जी राजपुरुष सा। राजस्थानी आंदोलन री सेनारा एक जबर सेना नायक हो आप, जका कई बरसा सू जेएनवी विश्वविद्यालय जोधपुर माए रे परा राजस्थानी राजस्थानी भाषा री पैरवी करता थका, राजस्थानी साहित्य और संस्कृति रा अनमोल मोती आज री जो जवान पीढ़ी साथे शेयर कर रिया हो बांट रिया हो लखदाद है आपने। गजय सिंह जी री नुई पोथी पलकती प्रीत प्रबंध काव्य रे रूप में आपा सामी आई है, हरेक कविता न्यारा न्यारा सर्ग न्यारा न्यारा खंड है, आ पोथी सकल संसार रे प्रीत तत्व री कूंत करे, कई कवीरी जी की बाता हैं, सही मायने में आपा बात करा तो बे आ कहवे कि जठ प्रकृति चेतन है, जठ जीवन संचारित है, जठ जीव जिनावर पगलिया करे और जठ मिनक रो वासो है, बी ठोड़ प्रेम अवश्य प्रेम रो तत्व अवश्य, जिया झूंडरी रेलम पेल रे बिचाड़े बिचाड़े निश्चल भाव सु कई प्रेम कथावा कथी जिए, कई प्रेम कथावा सिरे लागे और कई प्रेम कथावा अद बिचाड़े आउता आउता डाला नाक देवे, अलहदा प्रेम राय भाव सगली सृष्टि में मिनत ने की सवायो बनावे, प्रेम जात बिरादरी ऊंच नीच आ सब सु ऊंची गिनी जाए, प्रेम व्यापार रो नहीं व्यवहार रो नाम है, कबीरदास जी कहवे प्रेम ने बाड़ी उपजे प्रेम ने हाट बिकाए, प्रेम कथावा पहला भी लिखी जी और आधुनिक कविताओं में भी कई जगह प्रेम कथावा पढ़ने ने मिले। पलकती प्रीत री बात करा तो इतिहास रा पाना उगाड़ती ई पोथी में 11 प्रेम कथावा है, और मां प्रेम कथावा में केंद्र ने राखता थका गजय सिंह जी कविता लिखी है, आ कविता रे मार्फत प्रेम रो पड़पलाट करतो उज्जवल पक आपा सामी आवे, कविता सागे यात्रा करता थका आपा देखा कि राजस्थानी साहित्य प्रेम री दूठू कितो साउंट कितरो समृद्ध है, प्रेम त्याग रो समर्पण रो दूजो नाम है, प्रेम री इसी वानगी देखो आप राजस्थानी साहित्य में आपा कई जगह सुनने मिले है, कि एक तालाब कने एक हिरण एक हिरणी मरिया पड़ा हा, बाने ई अवस्था में मरिया देख एक सहेली दूजी सहेली से पूछे कि खड़ो ने दिखे पार दी लग्यो ने दिखे बाण, खड़ो ने दिखे पार दी लग्यो ने दिखे बाण, हूं थन पूछू हे सकी किस विद तजिया प्राण, कहीं कने ना तो कोई शिकारी खड़ो दिखे और ना ही कटी बाण लागेड़ो दिखे, फिर किन बात आत प्राण तजा उसी, तो दूजी सखी जी को पड़ूतर देवे वो प्रेम री समर्पण री प्राकाष्ठा रो बिंब खड़ो कर देवे, जल थोड़ो नेह गणो लग्यो प्रीत को बाण, तू पी केवता दोनों तजिया प्राण, ठीक इनी बांध पलकती प्रीत में सैनी
बीजानंद रे ओड़वे आपा प्रीत रो सौंदलियो पानो बांध सका कि गलियो आधो गात आधा में आधो रहो हमें मुसलता हाथ बीजानंद पाछो घड़ो जेठवा उजली सेणी बीजानंद आवड़ दे खीऊजी नागजी नागवंती जलाल गूबना सोरठ बींजो सहित सगला पात्र एक दूजे रे प्रेम में त्याग समर्पण रा भाव राखता लखावे और प्रीत ने इन लौकिक सुपरालौकिक बनावे। प्रेम कथावां में उजली जेठवारो एक सोरठो जग साओ है टोली सु टलता हां हिरणा मन माठा पड़े बालम बिछड़ता हां जीवे किणवित जेठवा का फिर जेठ गड़ी ने जाए जमारो कोंकर जावसी और बिलख तड़ी विहाय जोगण करग्यो जेठवा पड़कती प्रीत में ही उजली रो विराट प्रेम आपरी छाप छोड़े है। अबानगी आप अगली कविता में देख सका कथने किया देऊं शराब कथने किया देऊं शराब मारी प्रीत लाजे उजली टोड़ी सू टलता हां वालहा बिछड़ता हां अंतस ताला जड़ता हां प्रीतम पलटता हां जोगण होगी जेठवा। तद कवीरी कलम ने वो भी लिखनो पड़े कि मुलक में अजर अमर इतिहास मुलक में अजर अमर इतिहास उजली उज्जल प्रीत उजास। कवि पोथीरे शुरुआत में ढाई आकर लिखता थका के वह प्रीत इन सृष्टि री सेंसु पावन अनूठी और अनमोल सिर्जना है। प्रीत रो काई मोल प्रीत रो काई तोड़ प्रीत री काई सीव प्रीत में कुण हारे प्रीत में कुण जीते प्रीत में काई मान और काई अपमान प्रीत में कुण राजा कुण रंग प्रीत रो काई धर्म प्रीत री काई कर्म प्रीत में काई ये लोग काई परलोक प्रीत में कुण नर और कुण नारी। कवि रे आ सगड़ा सवाला सु प्रीत रो जिको अलायदो रूप प्रगट है वो आत्मा ने परमात्मा रे की न्याड़ो ले जावे जठे पुग्या सारा संशय मिटता लागे उन्हीं ठोड़ प्रीत मार्ग चालता मिनक हौसले सु आगे बधे जुगा जुगा सु रही जीवती मानस रे जीवन री प्रीत रुक जे मत लगो लग चाल विदनारा भाकर अवश्य झुकेला रुकना सु जीवन रुकेला रुकने सु जीवन रुकेला। किणी कहानी का फिर कविता रो जी को शीर्षक है वो घणो मेहता हुए महेंद्र सिंह जी अभी शीर्षक की चर्चा कर रहा इन लियाज सु इन संग्रह रा एक एक शीर्षक अपने आप में एक मुकम्मल अर्थ ने प्रगटे आप बानगी देख सको उजली उज्जवल प्रीत उजास भरमल रड़बड़ तो रूपाड़ो मोती सेणी सत सपना शिणगारे खीवजी जबर जनाना भेस नागजी मत बोलो डोडा बोल बूबना जोड़ी रो जल्लाल सोरठ थू किंडरी घरनार केहर कालजियरी कोर सुपियार झिलमिल आर तो उतार और महेंद्रा एकर पाछो बार। सगला शीर्षक अपने आप में मुकम्मल अर्थ ने छुपाए रखे है। ख्यातनाम आलोचक कवि नाटककार आदरजोग अर्जुन देव जी चारण ने समर्पित आपोथी भाषारे पेटे राजस्थानी साहित्य ने और सवाई बनावे ढोल रे ढमके अथलेवारो हेत मानसरी मर्जात अबलारो आधार टोली सूटलता हां जीवन री जीत पून रे परवाने अकूट अछे मंदड़ारी मेड़ी अंतस रे उनियारे दीठ रो दर्शाव जेड़े शब्दारे वर्णाव में ठोड़ ठोड़ रूपाड़ो अनुप्रास कविता ने और ज्यादा साउंटी बनाऊ तो लिखावे और किमर कर तो निकल आवे सबद सबद जुड़ता जावे कविता बनती जावे। आ बात कहनी आ सोलह आना सांची कोनी कविता फगत शब्दारो भारियो कोनी कविता जोड़नरो काम करे जुड़नो शब्दारो आपा सु रापारो प्रकृति सु जीव जनता सु धरती घूमते पाठ सु सूक्ष्म सु विराट सु इया ही जोड़नरो काम गजे सिंह जी करियो इतिहास री पलकती प्रीत रे एक एक पाना सु रूबरू करवावता थका इन संग्रह में आयोड़ी प्रेम कथावां पहला ही किणी ने किणी रूप में आपा सा बांध चुक्या पर गजे सिंह जी पा कथावां ने एक नवेपण सागे फेर अवेरण रो काम करियो है जिको सराहण जोग है। संग्रह में पढ़िया पछे
जिकी कविताओं है वे फूलरी पांखड़ा नाई प्रीत रो पावन स्वरूप आपा सामी खोलती जावे। प्रकृति रो इन सृष्टि रो न्यारो निर्वाड़ो पक प्रीतरी चूंदड़ी ओढ़ आखड़ो हुए। उन साथ है आ बात ही ठीक बैठे क प्रेम रो मार्ग सिंगणी ने दूने जड़ो अब खोए। मारी एक राजस्थानी गजल री ओढ़िया साथ है मैं मारी बात ने अठ सामटू क प्रीत रीत ने कण जानी प्रीत सॉरी कोनी प्रीत रीत ने कण जानी जितरी जानी अणजानी उठी कसूती सी लपटा जद कालजिए बन जानी लोहेरी पीड़ा कितरी लोहेरी पीड़ा कितरी कूट कूट ने घन जानी झेर पालनो ओखो है सांप तानते फण जानी इतरो सोरो प्रेम कटे हो जावे तो रण जानी हो जावे तो रण जानी। गजय सिंह जी री एक कविता जिकी मन प्रीत रे पेटे बढ़िया लाग रही है बिंगो एक प्रीत नाम जी को शीर्षक है। बिंगो एक छोटो सो मैं बांध की जरूरत थार सामी पेश करूं कि अजब अनूठी प्रीत जीतनिया री हार हारनिया री जीत मन मेड़ू रे मन रो भरम मिटावण मुमल चाली अमराणे देश दिनी आवण रो संदेश पड़ूतर मिलियो परख परखण प्यार महेंद्रो छोड़ गयो संसार वा सुनता ही उन्हीं समय प्राण छोड़ परलोक सिदाई मुमल साची प्रीत निभाई मुमल साची प्रीत निभाई। धन्यवाद सर। प्रमोद जी आवाज नहीं आ रही है। बढ़िया करो राजू राम जी याद दिवा दी प्रेम निभाना बहुत ही कठिन प्रेम निभाना बहुत ही कठिन है और आज ही अवसर अवसर है। गजय सिंह जी सबने बैठ पुस्तक पर आवाज काफी रिपीट हो रही है हाँ मैं एक मिनट हाँ अब हो रही है क्या अब तो ठीक है अब ठीक है ना हाँ अब ठीक हाँ ठीक या अभी कुछ दिन पहले मैं मोहन आलोक जी रो आखर हो की दोबारा सुन रहे हो तो मैं भी एक बकवंश में आखर राजस्थान के पेज पर दोबारा पोस्ट भी करे हो बे कहो के कड़वाड़ जो है ना बढ़े जा रही है और संबंधा में जो प्रेम है वो बहुत कम हो रहे है। विजय सिंह जी सामे एक बात ने रेखांकित करी और या पुस्तक आपने सामने लाया आज इन टाइम आपने सागे राजस्थानी रा प्रसिद्ध कवि नाटककार लेखक आपने साथ है अतुल कनक जी मारी समालोचक दृष्टि आपन आज सुनना मिले मैं बाऊ निवेदन करूं कि वे पुस्तक पर आपरी बात रखर माने अनुग्रहित करें श्री कनक जी मान्यता आईजी गजय सिंह जी सा प्रमोद जी सायण सा और राजू राम जी आप सगला के ताई निवण करता सा अपनी बात शुरू करो छो उनसु पहली जो भी पूरा सेटअप को एडमिनिस्ट्रेटर छे उसको निवेदन करबो चाहूं छु कि स्ट्रीम या सुविधा दे छे कि जो आपना साथी बात करे आप करबा हाड़ा छे मां का चेहरा मां का उंगलियां मां साथ में एक पट्टी पे देख सका तो उसको मां को रेस्पॉन्स और मां की प्रतिक्रिया दिखती रहे छे और ये लागे छे कि मां दीवार के सहारे ना बोल रही है तो अगली बार से जद भी अशो हो वो ई व्यवस्था के ताई करबा के को जतन करे। आज मैं जी पोथी पर बंतल कर रहा चाह वह कविता की पोथी चाह कवि के ताई महा का पुराना में रिखी भी बतायो छे। हाँ धन्यवाद प्रमोद जी आपका ताई हमारी बात मान बा गई रिखी जब सगला जगत की चेतना के ताई अपना तपसु संवारे और हर लोक हित साधे नरा लोगों ने यह बात करी कि कविता पीड़ सुनी पजे छे पर रिखी होबा को यो ही तो सुख छे कि मनक
दूजा की पीड़ के ताए भी सांतरा ढपसू अंग सके छे बखाण सके छे। सृष्टि का आदि कभी बखाणिया गया वाल्मीकि, एक पखेरु का दुखी चीतर कभी हो गया। सृजन का मूल में संवेदना हो वच, जे आपने ही गुण गाया तो कश्या गुण गाया, और जे अपनी पीड़ मांडी तो काई कविता मांडी। बात तो ऊ भगत छे, जद कोई आपनो दर्द भी बखाणे तो भुक्त भोगियों के ताई आपनी बात लागे और आह को सुर वाह में बदल जाए। रसूल हमजा तो हमने ठाम पर मांडियो छे कि कविता तू नहीं होती तो मैं यतीम हो जाता। आपने रची कविता के ताई अपना माइत मानबा का संस्कार ही कविता का ताई इमरत बख्शे छे। पर हर कविताएं तो माइता को मान न पा सके। जी भगत, चार तुक जोड़वा हड़ो कोई भी मनक कवि होबा का डमसमक गणा तो फिर अच, उन भगत यो सवाल महता हो जाव कि वह कशी कविताई छे जिनके बिना मांडवा आड़ो आपने ताई यतीम महसूस करे छे, कि वे गुण छे जहाँ की कविता रचबा की साधना ही ठाम तक पूक सके छे, जो कह सके छे कविता तू ना होती तो मैं यतीम हो जातो। कविता मनक पनाई अंगज छे। कविता वह सोरम छे जे आपना होबा भरसू परिवेक में सोरम भर दे छे। प्रेम भी यो ही संस्कार जगावे छे। यो प्रेम डील की चाहना को सुख न होव, जो मेहड़ला सु मेहड़ला को हेत को गणो छे। जद हेत को यो हौसलो जागे छे तो फिर आपना होबा को चेत भी न रहे। ये लेके ही तो पड़कती प्रीत की एक नायिका उजड़ी ओड़मो देता सता कह छे, थनक किया दे हूं शराब मारी प्रीत लाजे छे। उनको नाम उजड़ी रखानो छे। नाम काई भी हो तो वह उजड़ी ही बगाई जाती, क्योंकि उन्हें मनकपणा के ताई अपना सत मनकपणा के बेई अपना सत के ताई सू पर जून के ताई उजलायो पण बक्सियो छे। जशा हरि अनंत, हरि अनंत कथा अनंता छे, वशाई प्रीत भी अनंत छे। आथुना राजस्थान की जे प्रेम कथा वहां सात समंदर पार भी जग चाहिए होगी, वहीं आधार बनार कविताएं करबो कोई आसान काम कोई न छो। छाने अतनी बार मांडीगी और अतरा ढबसू मांडीगी कि क्षणिक सो भी बोधोपण एक मोजीज प्रतिभा पे सवाल खड़ा कर सके छो। पर गजे सिंह जी ने नुई गेल पकड़ी। डॉक्टर अर्जुन दान चारण ख्यात की बायरा पर कविता मांडवा को प्रयोग पहली कर चुका छे। गजे सिंह जी ने प्रेम कथा मा पे प्रेम कविता मा मांडी और पोथी की शुरुआत में ही आपने यह बात भी कह दी, प्रीत की अणूती रीत इमृत बांट जहर पेवर रीत। न जाने कितनी बेर मांडियोगी और बांची की कथा मा पे मांडवा को काम अब खोच है, क्योंकि अनुसृजन होबा की काड़म्या पग पग पे डरावच है। पर गजे सिंह जी की पोथी सुही एक ओली लेता सता कुंगो, धरती आपरा बीज नी गमावा। मेड़ला की धरणी में जिस सृजन को बीज छे वो तो हजारों बेर बोली की बात ने भी ई ढबसू बखाने छे कि सुनबा हाड़ो आह भी कह छे और वाह भी कह छे। ये पोथी की नरी ओलिया कविता को अंश न सूक्त वाक लागे छे। भरमड़ाली कविता की ओलिया भुजबड़ री तागत सु फगत जुद्ध जीत सके पर तेरन रिप्रीत नी। सैली हाड़ी कविता री ओलिया दोए घूट पानी नी पावण रे पछतावा में थारे नेणारो समंदर सूख जासी। नाग जी आली कविता की ओलियां जीवन सारू करना ही पड़े खुद सो जुद्ध आ जानता थकाई के छेकड़ हारणो है जीवन ने तारणो है। मारी ई बात की साख भरे छे कि कविता की कई सारी ओलियां नरी सारी ओलियां सुक्त वाक्य छे। प्रेम कथा के अलावा मनख जून की अब खाया खासकर बायर होबा की अब खाया को कवि घणो असरदार और ओसियालो बखान करे छे। भरमल रणवर्ता रूपालो मोती कविता में जत नायिका कह छे, राजा जी राज रे मदमाही जोरा मर्जी सु किणी अबला ने तो भोग सको छो, पण उण रे मन परवारे रोक नी सको। तो यो कोई बायर को डमस न लिखावे, पण हेत की ताकत और जगत का जंजाल सु जूझबा की ताकत जतावे छे। तलवार का युद्ध सु भी अब को वच मेड़ला को युद्ध इन लेके ही कवि मांडो छे, जीवन सारू करनो पड़े खुद सुजुत आ जानता थकाई कि छेकड़ हारनो है जीवन ने तारनो है। प्रेम का युद्ध की रिजक
निर्वाली छे उ अठी जीत बाबे आप आप ही हारनो पड़े छे। ई संग्रह की कविता मामा समाज बोले छे, भगत का गुण दोख बोले छे, सगड़ा जमारा की भलाई की कामना बोले छे, कवि की भाषा टकसाली छे। माफी के साथ निवेदन करबो चाहूं गजे सिंह जी, कवि की भाषा टकसाली छे पर भगत सर की ठाव पे टेम सर और डील की ठाव पे देह सबक को उपयोग अखरे छे। कवि ने मौका के अवसर के पाण ओसर शब्द वापरियो छे एक जगह, हड़ौती बोली में ओसर मृत्यु भोज के ताई खे छे, इन पे विचार बो जरूरी लागे छे। कविता वहां की आपने लय छे, लांबी कविता का नाला नाला खंड जाई प्रबंध कविता बगायो गयो छे। कवि एक ओड़ी सु आपस में गूथी छे जी के ताई बोलचाल की भाषा में पंच लाइन खे सका छा, या ओड़ी कविता को मूल तत्व भी अंगे छे और ये अंगे जे छे और ये कविता कवि की सफलता छी। मु खे सकु छु कि पड़कती प्रीत की कविता राजस्थानी की आधुनिक कविता परंपरा के ताई सिमरत करे छे और ई लेखे मु कवि गजे सिंह जी राजपूत के ताई बधाई दियो छु और आखर परिवार के ताई या चर्चा करवा गई घणो घणो साधुवाद दियो छु। धन्यवाद आप सब। नमस्कार, अतुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कवि की भाषा टकसाली छे, इन बात ने रेखांकित कर आप बहुत बढ़िया बात कही। गजे सिंह जी रो उत्साह, मतलब कोई जो आपने कह करता कि वो टकसाली सिक्को है, तो यो एक आपने गजे सिंह जी मानो कि आज आपने बहुत बढ़िया उपहार मिल गो है कि टकसाल के बोर आप लाग जाए तो सिक्को पक्को खरो है, मतलब मैं नकली बना लो कोई गुंजाइश नहीं बची है, टकसाली सिक्को है था। तो अपा अभी वो समय है कि मैं आप सब कने, मेरे ख्याल से पुस्तक तो हो रही है, आप भी पढ़कती प्रीत सब कने होनी चाहिए। तो जय कि आपने पता है कि आप यदि सब लोग पुस्तक ने मैं आयदान सिंह जी निवेदन करूं, वे अध्यक्ष है और मां के राजस्थानी रहा, तो कई लोग बाना विश्व पिता वे भी कब है ये टाइम तो आपने में वे लोग है सबसे मान्यता है अपने बीच उपस्थित आज। तो मैं चाहूं कि वे पुस्तक आपने दिखार एक तरह से सबने इन्हें लोकार्पित करे और फिर आप रो अध्यक्ष उद्बोधन भी आपने देवे। मैं सबसे पहली आयदान सिंह जी को निवेदन करूं कि आप पुस्तक रो दर्शाव कर और इन्हें सब रे वास्ते बया, तो गजय सिंह जी सबने डाक से तो भिजवा दी है क्यों रखो ते तेरी चर्चारी बात करो तो पर लोग वास्ते तो आज ये उपलब्ध हो रहे, सब देख लियो सुन लियो है समझ लियो से बीता की कविताओं कितनी बढ़िया प्रेमाख्यान है। आज तक खाली आपा संदर्भा में ही कठे सुने होना, उजड़ी आड़ी जो बातें इतनी बढ़िया आप रखी है कि एक छंद है एक लय है मैं पूरी की पूरी उजड़ी, तो अपनो मन भी उजड़ो और तन भी उजड़ो। तो मैं आयदान सिंह जो निवेदन करूं कि आप पुस्तक न दर्शाव कर इन लोकार्पण करने की औपचारिकता पूरी करो हुकुम। ये तो आप गजय सिंह जी री दिखा दी कवर दिखाओ साहब हुकुम। वो कवर तो गजय सिंह जी ले गया, आप आड़ो मारा मित्र ले गया, वो पूरी किताब ही दीज तो सब ले गया। अरे वाह, तो चलो मैं दिखा दूं आप मेरे को है। हाँ, आप दिराओ। हाँ, आप रो जो है अंडे में आप रो पूरो प्रमुख सहायक रूप मैं। हाँ, बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत बधाई। और जो है गजय सिंह जी किताब रे माथे बहुत बहुत आभार। आपने की बात कहनी चाहूंगा, अबार जुको शेषो बड़ी बात तो मैं आ कहनी चाहू के इन आखर कार्यक्रम में जुको प्रमोद जी राजस्थानी भाषा रे खूणे खूणे सु जो है मिनखा ने बुलाया हैंगे सु, महत्वपूर्ण बात तो आ है कि कोटा सु जो है
अतुल कनक जी ने बुलाया और ठेठ जो है राजू राम जी ने हुआ हूँ गंगानगर साइड हूँ बुलाया, जैसलमेर हूँ जो है मारे शिष्य ने जो है बुलाया है महेंद्र सिंह छायण ने। और मैं आमने कह दूं कि जो आ मारवाड़ी सर जमीए जठे हूँ बैठो हूँ, मने और सौभाग्य प्रमोद जी आखिर कार्यक्रम में बहुत पहला दे चुका है और आखिरी शुरुआत जो है मैं हाँ कराई और मारे वास्ते सौभाग्य की बात ही। आ किताब मने ये 5 प्रतियों जो है दी थी आप, लेकिन जो ग्रीज बात है कि मारे गिरे आवे जाने पते हुए लोग मारी लाइब्रेरी ने देखे और उन लाइब्रेरी में हाँ शेषु महत्वपूर्ण मान और एक गजे सिंह जी की किताबों जो है वो लीज गया। तो मैं आपने क्यों नहीं आता हूँ निवेदन करूं मैं और हाजिर कर देऊंगा हुकुम आपने। हाँ तो ये किताब जो है मारे खेने आनी चाहिए और मैं जो क्यों नहीं चाहता हूँ इन किताब रे बाबत हैंगो ही महत्वपूर्ण तो आई थी कि जो है राजस्थानी री जिको इतनी आंचलिकताओं जो है प्रमोद जी भेड़ी करी और जिक्की बातों अठे राजू राम जी और जो है अतुल जी महेंद्र सिंह छायण और खुद जो है प्रमोद जी कही, मैं आ क्यों नहीं चाहूं कि जो प्रेम है इन प्रेम तत्व रो मायलो जो ओज है उन मायले ओज ने शेषु पहली अपने अठे करुणा रे रूप रे मया जो है वाल्मीकि बताई आ बात अपने अठे अबार कही। तो मैं क्यों नहीं आ चाहूं कि जो है आप प्रेमरी जुको बात है इनमें लगभग सगड़ा में जो है करुणापूर्ण बात है और ए जुको उजड़ी रो अठे वाचन करियो आभार गजे सिंह जी। तो मैं क्यों नहीं आता हूं कि जुको उजड़ी रो इज नहीं प्रेम रो अंतिम रूप जो है दुखांतिका में जावे हर जगह, क्योंकि स्त्री पुरुष संबंध और मया जिन टेम अपो मोयली बातों देखो ला तो और समाज जो है उन प्रेम ने स्वीकार नहीं करे। क्यों नहीं स्वीकार करे ये लारे बहुत सा कारण हो सके, समकालीन तारा कारण हो सके, ये राजसत्ताओं का कारण हो सके। मैं आपने क्यों नहीं आता हूं कि जिन टेम लक्ष्मी कुमारी जी इन प्रेम रे माथे आधारित मूमल और दूजी सारी सारी जो कथाओं लिखी थी उनमें वो रो स्त्री मन हो और वे आपरी बातों जो है स्त्री मन सु कही और गजेंद्र सिंह जी पुरुष मन हो आपरी बातों कही है। आ बात बिल्कुल सही बात है। तो पण ए जुको कविताओं हैं इन कविताओं रे मोरी जुको मायली अंतस्तु का है, मैं आपने आ कहनी चाहूं कि जो भाषारी जुको रड़ियाउनी ले है वह इन अंतस्तु का हो जो है महत्वपूर्ण बन जावे और जबरदस्त तरीके हो जुको आबार गिनाए आप लोगों के मेरा टाइटल कितना फूट रहा है उन टाइटलों रे मयाई जो है जुको सारी चीजों जो अपने निगे आवे। मैं तो आपने आ कहनी चाहूं मारी आ कमजोरी रही कि मैं जो है इन प्रेम तत्व रे माथे संयोग सु बहुत ज्यादा नहीं लिख पायो। अतुल जी तो जो है बहुत सी जो है आपरी कृतियों ने बहुत इनो उल्लेख कियो है, मने मारे मित्र एक बार कहो के छे कविताओं तो लिखो लेकिन थोड़ी कविताओं रो सौंदर्य बोध कही है, मने एक बार एक सवाल पूछियो तो सौंदर्य बोध रो मतलब एकांगी नहीं व्या करे कि केवल सौंदर्य बोध प्रेम तत्व में प्रकट हुए, सौंदर्य बोध जीवन रा नारा नारा निर्वाला हुए। जाने मैं जो है उन भाई ने पड़ोतर भी दियो तो कि सौंदर्य बोध मारी कविता में भला हंसी में प्रश्न पूछियो पण वो आखर आता आता मारे इन अंतस ये में रमियो कान काई इन सवाल लो मैं फटके सु दियो पड़ोतर कि सौंदर्यहीन कविता जगती में होवे काई पण थारो तो एक सवाल हो नितांत निजू गणो आत्मीय मारी चेतारी सीमा ने मत मत ने मन ने सड़गायो के आ कैडी है अजब अनूती रीति मारे सागे मैं शब्दा ने कमड़ा कमड़ा रंग बिरंगा मखमल वेजू करना चाहूं सायत की रूपास लखावे पणे आखर आता आता मारी कलमा बड़बड़ता खीरा बन जावे लाल सुर्ख दिप दिप दीपनता। तो मैं क्यों नहीं औचा रहे हूं कि जुको ओ प्रेम रो तत्व है
इन प्रेम रे तत्र में जुको करुणा है, जुको कोमलता है, जुको रलियावनी बात है, जुको मिनखाने हिये में ढूके आर बात जो है गजर सिंह जी आपरी भाषा में आप रे तरीके हों जो है कहिए। और मैं आपने कहूं को मारो और सौभाग्य है कि वे आज जोधपुर में मारे खिने रहे, मारा अंतरंग है, मारा अजीज है। और मैं कहूं यहां चाहूं कि गजेंद्र सिंह जी ये किताब हुई जो है अपने आप ने पूर्ण नहीं समझ ले के मैं प्रेम माते सारी बातों कह दी हूं, क्योंकि ए तो आथुने राजस्थान आली कथावा ही मैं चाहूंगा कि वे आपरी इन कलम सु हिंदुस्तान री दूजे दूजे हिस्से री भी जुको जुको प्रेम कथावा है वे ने राजस्थानी में लावे। और मैं जो है आज आ बात कहनी चाह रहे हूं कि जो हिंदुस्तान रे मया दूजी दूजी जगहों माथे भी जुको जुको प्रेम कथावा है उन प्रेम कथाओं ने वे राजस्थानी में लावे तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बनेला और बात बनेला। और गजेंद्र सिंह जी न केवल आ इतनी बात करी है, इन अवसर माथे मैं कहनी चाहूं कि वो जो को एक प्रेम तत्व रे साथे साथे राजस्थानी री एक आलोचना री जो है पोथी भी लिखी है उन्हें भी मैं आज इन अवसर माथे बधाई देनी चाहूं कि जो है वो जबरदस्त तरीके हों जो है वो काम कियो है आलोचना रो। तो आज जुको अपने राजस्थानी रा लिखा रहा है उन राजस्थानी रे लिखा रहा ने प्रमोद जी आखर रे माध्यम सु पूरे रे पूरे तरीके सु जो है राष्ट्र रे मया राजस्थान में तो उन्होंने बता भी थे, लेकिन वो आखर कार्यक्रम जो है विश्व जनीन कार्यक्रम है। मैं आपने बताऊं इन वास्ते जुको आखर रे मया आज यो किताब रो लोकार्पण करायो, तो मैं बताऊं कि जो है मारी तो तकनीकी रूप हो मैं बहुत ही एक प्रकार हूँ एड़ो होता हूँ कि मने चीजों आती को नहीं जाने मने जो है इंद्रजान जी आपरा और आज अहंग चीजों पूरी करवाई मारो जो है भतीजो भी संयोग आठे हो तो ये सारी चीजों नहीं तो मैं तो ए जो प्रमोद जी ने कह हाथ जोड़ दिया था एक बार कि मैं हूं तो ये चीजों मतलब मारे बड़े नहीं, लेकिन और जो को प्रेम है और प्रेम तत्व एड़ो है कि आज अपो हैंगो नहीं भेड़ा करिया है। और प्रेम तत्व जो है केवल स्त्री पुरुष आड़ो प्रेम तत्व नहीं है, इन प्रेम रे मया जो है मिनक पनेरी प्रीतरी जो पड़कती प्रीत है जो को यूं कही है उन पड़कती प्रीतरी जो को छवियां हैं वो छवियों मिनखो ने भेड़ो करिया है। मैं तो आज आ समझू कि भले ही अपो जो है ए वेबिनार तरीके हो आगा आगा बैठा हूं अपनी अपनी जगह माथे बैठने बात कह रहा हूं, जे अपन भेड़ा होता तो अपनो कितो जो है एक प्रकार हो मैं कह दूं कि अतुल जी मैं तो आ कहूं कि जो हूं कोटा कई बार गियो अतुल जी जो है मैंने कोटा में भी मिलिया को नहीं हूं थोने बताऊं, लेकिन अतुल जी बाद में एक बार जिनके मिलिया उनके मैं मोनियो के मारी कोटा यात्रा पूर्ण हुई, क्योंकि कुछ मिनख ऐडा है आंचलिकताओं में जे हुआ हो मिलो नहीं। राजू राम जी जो है जिन जगह बैठा है मैं हुआ जाऊं मान लो गंगानगर साइड में नहीं हो मिलो नहीं तो मैं तो आ समझू कि मारी यात्रा अपूर्ण है। आर या बात जो है मैं प्रमोद जी के बाबत कह सकूं ये कोरोना काल में इतना आगा गया परा कि मतलब जो है मने कई बार लागे कि जो है वो मारो इत घर में जो हमारो आनो जानो तो वो भिंग हो गयो है। तो आज को पड़कती प्रीत है आ पड़कती प्रीत गजेंद्र सिंह जी ने और भी ज्यादा जो है आगली बातों बतावेला, क्यों कि प्रेम रा जिनटेम दरवाजा खुल जावे। मैं बहुत सी बातों जो है एक ही कहानी माते कह सकूं, आप कल्पना करन देखो कि गजेंद्र सिंह जी जिनटेम जलाल भूबनारी बात करे है तो राजस्थानी रे माया अपने अठे जो मारवाड़ में जल्लो गाई जे जने कही जे कि जल्लो गायो और गीता रो छे आयो यानी विदा देते टाइम जो है जल्लो गाई जे एडो क्यों एडो इनवास से के जिन जलाल और बूबना में प्रेम हो तो उन प्रेम तत्वरो जुको रूप दिखायो है कहानीकार वो मैं आपने बताऊं कि वो ओ हो कि बूबना जलाल ने कहो कि मैं जो है थारे सेनारी रवानगी माथे जरूर थे वो मिलने आऊंगा। और जबकि मृग तमाई थी जुको उन मामो है वो जो है और कोई भी कीमत माथे होन दी होन नहीं दे तो के जो है उठे बूब ना आवे
जने बूब ना कहीं के थारो भवन जो बहुत छोटो है और दूजे युद्ध रे माथे जा रहे हो है, तो मैं युद्ध री तैयारी देखनी चाहूं। आप देखो और वो प्रेम जो है युद्ध री तैयारी रे मिस जो है बूब ना उठे आवे। और जलाल ने कहीं के जल्ला रे मैं तो राजरा डेरा निरखण आया रे जलाल, ये तो थोड़ा डेरा निरखण आया हो। तो मतलब आप कल्पना करें देखो जने राजा ये जोधपुर स्टेट रे मया और गीत तो गाई गयो लेकिन उन्होंने वो लागो के आ दूजी आंचलिकता रो गीत है। जने वो कहीं करियो के ऊपर लो जुको है वो तो राख्यो जल्ला रे मैं तो राजरा डेरा निरखण आया रे जलाल, और मोयाली जो को चीज है वो जोधपुर री सामंती शैली री सब दीनी है जल्ला रे राजा बिस्लो राज बड़ो राठौड़ी रे हमें ए इन टाइप री चीजों। लेकिन गजेंद्र सिंह जी आपरी इन कथाओं में उन जो को परिवेश हो तत्कालीन उन्नी वो सामंती जो को रुगणताओं ही उन्होंने भी तो जो है यो में दीनी, लेकिन वे साथे साथे स्त्री मंदिर जो को पवित्रता है किन टाइप हो जो है उजड़ी अबार उजड़ी रो जुको नाम रे माथे जुको बाता करी है के उजड़ पख है जुको उजड़ी है, तो उन उजड़ी रे मोयली जुको चीजों लाया है ए चीजों जो है सहज और सरल शैली रे मोया जुको वो कही है। लेकिन ये जगह मैं आ फिर कहनी चाहूं के जुको राजू राम जी जुको महेंद्र सिंह जी जुको अतुल जी मौली बातों बताई है उमे प्रशंसात्मक तो है ही, लेकिन शब्दों रे माथे जो को अतुल जी बात करी है इन माथे भी जो है गजेंद्र सिंह जी ने आगे ध्यान देवनी जरूरत है, क्योंकि कोई एक आखर भी जो है अड़ो जावे पर हो तो आ ठीक नहीं है। तो आगली पोथी रे मो इन सब चीजों रो जो है ख्याल करोला और इन प्रीत ने जो को मूमल महेंद्रारी हो भलाई लोकगीत बन गया है, और ये लोकगीत जो है राजस्थान रे जो है जन जन रे कंठोरा हार है। और इन वास्ते मैं कहनी चाहूं कि इन पड़कती प्रीत री एडी पोथी ने लिखनी बहुत मुश्किल काम हुए, मुश्किल इन वास्ते है कि बहुत ही लोकप्रिय कथाओं हैं, उन लोकप्रिय कथाओं रे माथे अगर आप कलम चलाओ ला तो कठिन कठी कोई न कोई जो है पक जो है छूट जावे, पर वो कोई पक छूटनो नहीं दियो और उन चरित्रों रे मौली जो को चीजों होती उन्होंने जो है काट और अपर सामी राखी है। तो मैं क्यों नहीं आ चाहूं कि आज रे अवसर माथे जो को प्रमोद जी और लोकार्पण ने मिसी सही कोरोना काल में इतने मिनखोरा जो को है ये पलकता चेहरा जो को हमा लाया है ये तकनीक के माध्यम से मैं उन्होंने बधाई दू। सबसे पहला तो ये जो है प्रमोद जी ने बधाई, दूजो मतलब गजेंद्र सिंह जी ने बधाई तो है ही, लेकिन चूंकि मैं जुको इन्होंने एक चीज घाती हूं इन्होंने गले रे मो, तो मैं चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान री उन प्रेम कथाओं ने भी हमें लावे जुको दूजे दूजे अपने हिंदुस्तान रे प्रांतों में प्रसिरुड़ा है। और इन अवसर माथे मैं आप सबने बधाई दू, क्योंकि अध्यक्षता तो एक हमें कही है कि हूं जिकी चीज हूं बस। तो मैं प्रमोद जी आपने कहनी चाहूं कि हूं कहते हो कि जुको मेहनत चुक जावे नी जने उन्हें अध्यक्षता दे दे, ठीक है नहीं जने पर लिखना पढ़ना तो मुखी है को नहीं, हमें अध्यक्ष बनाओ बैठा तो जन हूं लोगों ने जो है बता तो ओंगली हो के अध्यक्ष बनिया है नहीं हमें यही जेंद होगी है। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश आ करूंगा कि हमारी जेंद नहीं हुए और भी चीजें जो है आती रहे, और आगे हम मैं ये चाहूंगा कि अगली जो को पोथी आवे उन पोथी रे मां आप पड़ती प्रीत जो को आथुने राजस्थान री है पूरे हिंदुस्तान री वर्णन आवे। आप रो बहुत बहुत आभार मने अठे बुलायो और ओ मने ठावी ठोर थे मे दिनी। तो प्रमोद जी रो आप सगळ मित्रों रो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार है जी, आप रो बहुत बहुत आभार। मेरे याद आ रही है कि आज जदि जलाल और बुबना वाली बात हुई तो मैं जब टावर रहा तुम्हारे दादी और मार ये गीत गाती तो वो जलाल वाली बात तो सही कही कि वो हमारी जोड़ी रहा जलाल, तो जब कोई भी ब्याह शादी होता तो यो जलाल वालो गीत जरूर गाणो पड़तो माने मैं सुनता अंत में जी जी, जी ओ विदा गीत है। हाँ, मतलब ओ विदाई रो गीत है जिन टाइम लड़की ने विदा करता जने ओ जल्लो गातो गायो जितो उन कहतो के जल्लो गायो और गीता रो छे आयो
मारवाड़ में मुसलमान सो लागे अपने हिंदुआ में यो गीत क्या गायो जाए, पर ये पड़कती प्रीत पड़ी राज या ज्यादा विवरण पूरा श्याम ना आया जाने लगे, जो कि मूल जो समाज जो मान्यता देवे बा जो असली प्रीत है प्रीत नहीं प्रेम ने मान्यता दी है, मतलब प्रेम में हिंदू हाँ हिंदू मुसलमान नहीं है प्रेम में, नहीं कोई वह है कि कोई जाति मजहब कोई बम है या कोई के कहे बने योनि भी नहीं है बम है पशु प्रेम, प्रेम तो प्रेम है जो प्रेम प्रेम तो है। हाँ प्रेम तो प्रेम है जी ही है प्रीत रे है ना पड़कती दिखेगी बात तो प्रीत ही दिख रही बैर तो उसे बिल्कुल रख ले प्रेम नहीं रख सके प्रेम तो वो सामने आए ही सरसी और बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज चाहूंगा आज आप हों के ओ गजय सिंह जी आड़ो जो को मतलब कार्यक्रम है किताब लोकार्पण एड़ा कार्यक्रम जो को युवा लोग है उमरा आप प्रमोद जी जरूर कराओ ओ मतलब आप री हाँ आप री आप बहुत बढ़िया जो है चीज है। और मैं आप रे मतलब आखिर और ये पूरे रे पूरे जो है आप रे फाउंडेशन ने जो है एक प्रकार का आभारी हूँ कि जो को यूथ है जो को नयो है वो कार्यक्रम थे जो है इन लोकार्पण आड़ो और जरूर करो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जी जी। मैं वास्तव में कोलकाता मेरी बात हुई और यो कोरोना समय थो तो भी बोला प्रमोद जी आप आईटीसी में रहे कार्यक्रम करा अब खर्चो तो हो रही को अब कहीं करा और कौन सो कार्यक्रम करा रहे हो तरीके को तो या भगवान की रचना जाए मैं हमेशा ही कहूँ कि वो काम आपा नहीं करांगा तो कोई और करेगा होना ही है वो काम तो या ध्यान आए कि चलो आप भाई वरिष्ठ लोग की तो देखो पुस्तक भी आवे और बाकी तो चर्चा भी ठीक से हो ही जावे बाकी ने मंच उपलब्ध है वो भी बिल्कुल बिल्कुल नया लोग लिख कर बाकी चर्चा नहीं हो तो बने मतलब की पीठ नहीं थपथपाई जा तो पचास आदमी भागे गया तो मैं तो यूं कह रहे हूं हुकम के आज आप गजय सिंह जी हाँ एक ही कविता रो वाचन करायो मैं तो चाहूंगा कि अध्यक्ष अध्यक्ष रहा थे भाषण नहीं बात मत करो एक कविता गजय सिंह जी बड़े पढ़ा दो माने कहो शुरुआत भी बस ही करांगा और समापन भी मधुरता से ही करांगा बिल्कुल बिल्कुल तो बस सुना तो पर मैं एक बात आप निवेदन कर दूं कि जो आखर है आपा शुरू आपका ध्यान होगा कि आपा राजस्थानी भाषा में ही शुरू करो क्योंकि हमारी यदि अपनी भाषा नहीं बचेगी तो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता भी शायद एक रूप हो जाएगी पूरी दुनिया के साथ एक जैसी हो जैसी जी। तो आपा शुरू करो तो आपने जान बहुत बढ़िया जो आप जिक्र करो ना कि पूरे भारतीय भाषाओं की या पूरे दुनिया की भाषाओं की जो प्रेम कथावा है आख्यान है प्रेम आख्यान है पर आप ये बात रख दी है तो आखिर जो आप राजस्थानी शुरू करो फिर मैथिली भोजपुरी और उड़िया और दक्षिण भारत की सब लगभग सभी भाषाओं में शुरू है अलग अलग शहर में जैसे पुणे के अंदर मराठी है बेंगलोर लोक भाषाओं है जो भी लोक भाषाओं है हाँ तो शब्द के आखिर के मंच से ही शुरू है वे सारी चीजें आखिर के मंच क्षेत्रीय भाषाओं को कार्यक्रम है और आपा जो लोकार्पण आड़ो शुरू करियो है ना तो वे इन कॉपी कर रहा है सब जगह बाकी भाषाओं में भी शुरुआत करिए कि हाँ नया लेख का के लिए यो एक अच्छो मंच हो सके तो भी शुरुआत कर रहा है। तो आज ही उस अवसर पर मैं आपने फिर एक बार निवेदन करूं पिछली बार भी निवेदन करियो कि आपकी निगाह में कोई भी नए लेखक की किताब आवे जी। तो बात होती है बताओ ही बी के पचे पिछली बार मेरी ओम नागर जी से चर्चा हुई ये पुस्तक पर चर्चा करने वास्ते तो भाई बोला प्रमोद जी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ मेरो मन भी अभी यहाँ बम्बई हूँ मेरो मन कोरोना में थोड़ा है नहीं बातचीत कर रो पर बारो आग्रह हो कि कुछ लेखक यहाँ का भी हो सके कि बा कहना क्योंकि आजकल आपने जो राजस्थानी साहित्य की स्थिति है मैं पीसा देरी पुस्तक छपानी पड़े तो बोले कुछ लोग आगे हो सके कि आर्थिक अभाव भी रहे तो मैं आपसे निवेदन करूँ आपकी निगाह में यदि कोई यहाँ की चीज ध्यान में आवे कि भाई कोई लिख कर रख रहा है पर आर्थिक अभाव के कारण वो मान लो नहीं छपा पा रहे है तो बे जरूर थे मैंने संकेत करोगा ये बात रो तो आप कोशिश करांगा कि बे की पुस्तक आप छपाने में भी मदद कर सका ताकि बे की जो साहित्य है वो यहाँ नहीं कि वो बेचारो लिखे और बे के कड़े पड़े रह जाए यहाँ कोई नहीं नहीं बहुत बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया। और आप लोग जो को एक काम कर रहे हो आ मतलब आंचलिक भाषाओं रे वास्ते बहुत अच्छो जो है काम है वो और आखिर माध्यम से लोक भाषाओं ने आप स्वामी ला रहे हो और हाँ। मैं तो आपने बताऊ नहीं कि आज आप जिन टाइप हो राजस्थान री आंचलिकताओं ने मिलाई हो आप भी मतलब मारे वास्ते तो सौभाग्य री बात है। मैं आपने बताऊं कि जो है मैं तो ये कोरोना काल में तीन
मार्च ने दिल्ली गयो तो न आठ ने पाछो आयो मारो जी जोने मिनखी को मिलिया ने आज तीनों मिनखों ना चेहरा तो बताया कम से कम हैं राजू राम जी कणी जो है हैं अतुल जी मतलब कणी जोध जोधपुरियों थोड़ी जाई जे लेकिन आज कम से कम है चेहरा देखन मने लागो के नहीं अजी तो जो है तीन की मारे में भी पाछी चीजों बचूड़ी है और मैं चाहूंगा कि अगली बार जरूर जरूर आप जो है करो पर इन गोष्ठी तो समापन आप ये जो है मृदु कविताओं करो हाँ तो इनको जो आप समापन करा वो कहो ना अपने कहावत है कि मधुरम समापन ये जब भी आप कोई सत्संग करा या कोई भजन कीर्तन करा तो अंत में प्रसाद जरूर मिले भले जो पताशा मिल जाए गुड़ की डली मिल जाए पर मीठे से ही समापन हो तो मधुरम समापन तो गजय सिंह जी निवेदन करूं कि कोई अच्छी सी पड़कती सी प्रीत रो कोई अंश छोटो सो आप सब भी श्रोताओं वास्ते प्रस्तुत करो और कुछ बिल्कुल मैं सबों पहले तो पाटी साहब की आज्ञा मैंने मंजूर है और मैं एक छन तो आपने वो सुना हूं जीरो शीर्षक है डेरो जिन टाइम बूबना जलालु मिलन जावे वीरू मामो जो कौन समय रो राजा है वो मरगत माइची वो मैंने आप एक कूटनीति रहते युद्ध में भेजे और बूबना ने जिन टाइम ध्यान पड़े के बिने जलाल ने युद्ध में भेज दियो है तो वह आधी रात रा गुप्त रूप से मेरे डेरा में मिलने वास्ते जावे वो छंद एक तो वीर बाद में आए आपने एक स्वर्ट वाली रचना में रखूंगा डेरो हेत्री मेहंदी रांची तो हद भात रांची सज सोला श्रृंगार सुरंगी सेज सजावे नैनारी पाती बांच सने ही मुस्कावे फुला बिक्री महक मेला ने महकावे एक भटकता भंवरा ने जोबण रो मद पावे प्रीत रो इमरत अधरा अधरात घोड़े चमके चमक चांदनी तो चंदो चौर ढोले जल्लो जीवन री जीत बूबना प्रीतमरी प्रीत पण झरोखा में बंदियोड़ी रेसमरी डोर टूटेला के छूटेला कुण जाने खलकरी हलक पण प्रीत रे बाढ़ सारू मामा मृगत मायची चाणचक गिरवर गढ़ माथे चढ़ाई रो बीड़ो पकड़ायो फौजा रो माजी नटे तो किया नटे झालियो बीड़ो मुमरो पेलो डेरो प्रीत बावली कद रुकती क्यों रुकती सज धज प्रीत रे परवाने पीयूसु मिलन ब्योडी छोड़र अधरात डेरो निरखे हिवड़े प्रीत हर के जल्ला रे मैं तो राजरा डेरा निरखण आई रे मारी जोड़ी रा जलाल मिर्गा नैणी रा भड़ताल अंतस माई उड़े गुलाल बूबना जोड़ी रो जलाल बूबना जोड़ी रो जलाल। और एक रचना में आपने सामने रखू रचना रो शीर्षक है सोरट थूकिणरी करना आ प्रेम कथा हूं आप सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हो के उन सोरट रो जीवन कहीं है स्वरट की रे घरे जन्म लेवे एक कुमार परिवार में वीरो पालन पोषण वे तो स्वरट इतनी फूट रही है कि इन कविता में मीने पूनम रो चांद रे नामू के पूनम रो चांद है वह और किन तरह एक आदमी सो दूजा आदमी तई वह आगे सो आगू पूगती रहे आपरे कर्म और आपरे भाग्य रे सहारे स्वरट थूकिणरी गरना चांद पूनम रो चांद निकलंक प्रकटियो राजा राय चंद्रे आंगणे ज्योतिष लगायो मूल नत्तर रो कलंक बेवायो रड़कते पानी सोनेरे पींजरे धीव कद वेती बाप करवे क्यों जल में कुमानस रे आंगन कहीं एड़ो हुए बाप ए आप कर्मी इन जोगो नी है वो के कही जे थारो बाप वीट माटीरी महक चतर चांपो कुमार चाण चक दिठो पानी री लहर में चांद कुमारी छाती सु चेपियो खुदरा भाग सवायो मिट गयो निपुतिरो कलंक मां जामन कोनी वा जामन सु लाख सवाई हेज सु हिये लगाई चांद रे निजर नी लागे नित नाके थुतकारो अंतस में थापो थापियो सोरट ना उराखियो छमा छम पायलरी झणकार सोरट थूकिनरी घरनार बिणजारो झाड़ भंजन जिणरी बाड़द में लाख लाख पोटी लदे
जिन सारो जानकार पण कोनी मानस री पहचान समय सार स्वरट ने प्रणी धन गेलो काही समझे चांद्रा रूप ने महकता पुहूप ने जोबनरा भार ने अंतसरा तार ने अधरारी प्यास ने गज गामनरी आस ने पीव एक मेल गढ़ायो पेड़ा वाड़ो सुवर्ण पिंजरो पण प्रीत कठे मनमीत कठे कुदरत खींचे काम कबाण प्रीतरा पंख भरे उड़ाण स्वरट मन माही गमसाण बापड़ो भागसू पाई लखणासू गमाई चांसी रूपाली स्वरट ने पण बिणजारो काई जाने गढ़ घिरनार रचिया चोपड़रा दाव पेच प्रीत ने मती बना व्यापार सोरठ थूकड़ी घरना राव खंगार राज करे गढ़ गिरनार भाणेज बींजा सागे चालियो करण शिकार चाणचक नेणासू दीठी चांदसी चमकती देह सोरठ सू हुयो स्नेह आ कुण एक माटी गढ़री डीकरी देऊ मुंडे मांगियो मोल बोल चांपा बोल हाथ में माटी लीनी आण धीव ने मत बिकाऊ जान सुन ले राव कान खोल बेटी सदा हुए अनमोल रंग रसियो बांधी मन में गांठ स्वरट ने पावेला साम दाम दंड भेद से दाव रचावेला बणियो जोग खबर पाई बिण जारारी बाड़द में चित हरणी सौरठ आई समय एक लोभी एक भोगी दोनों खेले चोपड़ दाव चाली आप आपरी चाल हारगियो बिन जारो रुड़ राव विदाता अबला सागे इन्याव मिजाजन क्यों चढ़ी गिरनार सौरठ थू किणरी घरनार बिंजो पहला पहल निजर मिलता ही जानियो उन धरा उतर गो चांद स्वरट शरमाई नैना बस गयो बड़ काजलरी रेख छिणेक में मनामन दोनों हुई गया एक रूपाली कामणगारी ये उतर की आपो आप पण मोल करणरी बात कालजे तीर ज्यू चुभगी अजय रिसे घाव की दिठे नहीं उपाव बावड़ा मनी मन क्यों हरके बींजा बाड़द बिचाले एड़ो काई दिठो दीठी नैना घुड़ियोड़ी प्रीत दीठी मद छकियोड़ी प्रीत दीठी अकन कुमारी प्रीत दीठी मन धनियाणी प्रीत लगो लग चढ़ता ही रहा प्रीतरा पागोतिया साचाणी जद दीवो खुद जड़े पतंगो आपो आप बड़े सोरट जड़नो जाने बींजो बड़नो जाने भलाई धुजे गढ़ गिरनार सोरट थूकिनरी घरना सोरट सोरट क्यों संके निसंकोच बोल क्यों धुजे गडरा कांगरा क्यों धुजियो गड गिरनार भगत थारे रूप और जोबन सु कहीं साचाणी डर गयो अद्भुतो राव खंगार बिन जारो सोरट जवाब देवे कि बिन जारो कद वे तो मारो ब्यावरे ओड़ावे एक सोदो हो मारी रूपाली देहरो नेणारे अखूट नेहरो पण कोडियारे भाव लाखेणी देह किया सौंपती राव खंगार जिंस जान चोपड़ में जीती अवस पण मारो मन कद जीत्यो छड़गारा ने किया सौंपती देह निठ गयो जटे सने है बींजो अखूट राखे ने अनमोल जानी देह परतक ने प्रमाण मारो तन मन बींजा पे कुर्बान प्रीतम प्रीत प्राणाधार बींजो जलम जलम भरतार गजमण बींजा रे गढ़हार सोरट थूकिनरी घरना और जिन समय राव खंगार वा दोना ने सोरट और बींजा ने सागे देखे तो आपरी कटार निकाल और बिने भीत में घोपे उनरो एक चित्रा में हुंकार भीता में भलाई घोपो बीजल कटार बींजो आत्मरो आधार शीस पे भलाई वारो नागी तरवार बींजो साचक लो भरतार सोरट बींजारी घरनार प्रीत छुपाया कद छुपे
रुकाया कद रुके अबे मैं क्यों डरूं, अबे किड़सू डरूं, प्रीतरी जोत जागी जीवन रोकाई मोती वाली लागी। राजवी नह चावे कोई मेल माड़िया, नह चावे ऊंचो गढ़ गिरनार, इब रहनो पीव रहंद अगन झाड़ में जागतो जटे पोड़ रहो बिज चंद। सुन हेलो थारी प्रीत बुलावे बींजा चितार थारो कोल, मसाणी माटी मुंडे बोल, सांच में माटी बोले, प्रीत कपाट खोले, जोत में जोत जगे, बींजो सोरट जगमगे, पावन प्रीतरी पड़कार, सोरट थूकिनरी घरना। और आ प्रेमा ख्यान में एक बात बहुत अद्भुत है, अजीब है कि यह प्रेम कथाओं ने जो को अमरता प्रदान करने वाला मुख्य है सहायक पात्र है वारो प्रेमा ख्यान में कटे कोई जिक्र नहीं मिलियो, लेकिन आ मैं कविता में मैं एक दो जगह जो को मुख्य कथा ने अमरता प्रदान करे जो ढोला मारू में डाडी है, और इन कथा में सोरठी प्रेमा के अन में एक है ऊदिया नाम रो ढोली जो को जगह जगह जीवन भर इन प्रेम कथाओं ने गाल तो रहे हो, और उन्नीस मार्फत एक कथा में लोक रे ये रो हार बनी। तो ऊदिया रो जो को चरित्र है वो आपरे स्वामी राखो। ऊदियो गजब गवायो प्रीतरा गीत गावे सारंगीरा तार, निर्मोही थाबिन प्रीत अधूरी अधूरो सोरठ भिंजारो संसार, जागे जब थारो सुर संगीत मिले तद मेला में मनमीत, सुरंगी सेज सजे कचनार मना मन जो बनरी मनवार, अधरा इमरत रो प्यालो बुझावे तन मनरी से प्यास, जगावे नव जीवनरी आस, थू बाच थारे गीता में मारे मनरो साच, उदिया थू बाच थारे गीता में मारे मनरो साच, थारे तंबूरेरी ताण मारी प्रीत मारा प्राण, सोरठ प्रीत रे परवाणे बींजो रीत ने पहचाने, प्रीत जीवन रो संगीत, उदियो वचनारो पालनहार छेड़े सारंगीरा तार, जगावे आखी रात मसाण आभे चांद चमकतो जावे, जाने सोरठ ई मुस्कावे प्रीतरी जोत जगे मसाण, जाने बींजारे सतपाण, प्रीत सत जीवन रो सार, सोरठ थूकिनरी गरनार, सोरठ थूकिनरी गरनार। आ रचना आप लोगों ने आदेश मुजब में राखी, और खास तौर से मैं आप सगड़ा रो घणे मान बहुत बहुत आभारी हूँ, आदर जो आयदान सिंह जी भाटी साहब रो, अतुल जी भाई साहब रो, राजू राम जी रो, महेंद्र सारो और प्रमोद जी भाई साहब और आखर रो, विशेष रूप हूँ आभार कर। और एक मैं आभार भाट साहब जो को मैंने आदेश दियो कि हिंदुस्तान भी प्रेमा ख्यान मानते या प्रेम कथाओं ने ले, तो मैं निश्चित रूप हूँ आज आपने भरोसो देऊं वचन देऊं कि मैं जरूर इन माते बहुत जल्दी काम करूंगा और आप सामने रखू। आप सब लोग व्यस्त टाइम से निकाल आप पधार्या, प्रभा खेतान फाउंडेशन, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन, श्री सीमेंट और आईटीसी राजपूताना, आ सब की तरफ हूँ आप सबको आभार। और जे हम आपको निवेदन करे हो, पिछली बार भी निवेदन करे हो, आप सबके सहयोग से ही यो काम आप आगे चला सकांगा, तो आप या जरूर निगाह राख जो कोई किताब यदि किसी की कारण से भी छप्पन में दिक्कत आवे तो आप मैंने जरूर संकेत करो। जरूर 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 बिल्कुल। और कोई भी लेखक आपने ध्यान आवे कि मारी निगाह से चूगा हुए, कई लोग है जिगा संकोच से कोई खंभे के पीछे छुपे बैठे है, तो वे न रह जावे, मारी मन में अपराध बोध रहे कि भी कोई रह गो कोई किसी का कोई कारण से, तो वहां से मैं क्षमा याचना समेत कवा की बात जरूर मारी निगाह में लियाओ। अपना मकसद यही है कि राजस्थानी में कोई कुछ भी लिख रहे है तो वो सबकी निगाह में आवे और आप सब जुड़ इन काम ने करा। आप सबने विविध अलग अलग क्षेत्र से लिए इकट्ठा कराया कि लोग बाग के मारे सबसे ये प्रश्न करे कि राजस्थानी कौन सी राजस्थानी का, कोटा वाली की, जोधपुर वाली की, झुंझुनू वाली की, जयपुर वाली, तो मैं माने को देखो मैं अलग अलग जगह का बैठा सब जना, पर सबकी बात सब आपस में भी समझ रहे हैं और अपनी सारी बात पूरे सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, इनको मतलब अपनी राजस्थानी एक ही है, तो ये बाकी राजस्थानी कौन सी, तो मैं कोई जो माकूल जवाब है वो आप अपने जो कार्यक्रम है द्वारा देश का, और आपने कुछ बात और बताऊं
लंदन में रहे दिलीप जी पुंगलिया, आप सब कुछ लोग जानता होगा, जानो बिल्कुल जानो। तो बैठे आया, जोधपुर आया था, नहीं तो वे मेरे से मिल पाना आया, तो बोले हमें राजस्थानी एसोसिएशन मड़ा रखी है लंदन में, तो वे से कुछ काम कार्यक्रम भी मैं करना चाहवा, तो बारी इच्छा थी कि भी आकर बांगे साथ जुड़े तो कुछ आपा नया नवाचार करांगा बांगे साथ, कुछ न कुछ मिले, तो आप सब से मैं जब भी टाइम मिला। आज आज साम्राज्य है मारो काव्य पाठ है वे दिलीप जी आड़े उन्होंने संस्था रही। हाँ अभी बताया हूँ मैंने कि मैं जोधपुर जाऊँ, आप पधारोगे, बैठे बैठा है जी साथ जी, जी, है जी। तो आपकी निगाह में कोई भी यार और भी कोई कार्यक्रम राजस्थानी संस्कृति सभ्यता जरूर 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 तो आप साझा करा, तो इन्हें जो आई जी कही कि आपनी पूरी जो आख्यान है ये पूरी भारत में ही नहीं पूरी दुनिया की भाषा में पहुंचे, और आप कोशिश भी करा कि पूरी दुनिया में जो आख्यान है प्रेम परक आख्यान है वह आप राजस्थानी में लिखकर, जी मैं बहुत लोगों ने जिक्र करूं कि भी साहित्य एकेडमी जो है मैं जो वर्ल्ड क्लासिक्स पढ़िया या भारत की जो क्लासिक्स में कथावा पढ़ी वे अनुवाद से पढ़ी, जहाँ चेमीन है मछुआरे जो है तमिल मलयालम को जो उपन्यास है वो तो मैं तो साहित्य एकेडमी की कृपा से ही हिंदी में पढ़ पायो, और उड़िया का भी है या इंदिरा गोस्वामी ने मैं पढ़ी, मान लो आशापूर्णा देवी ने पढ़ी, तो मैं वहां का अनुवाद नहीं पढ़ पाया, तो अपना भी जो अच्छा आख्यान है बापा अन्य भाषाओं में अनुवाद करण भी सामर्थ्य रखा तो आपने जरूर करना चाहिए, और बाकी भाषाओं का भी आपने राजस्थानी में करना चाहिए। एक बार फिर आप सब रो बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमारे लोग आओ, पर मैं तो यहाँ कर सबने तकलीफ दे दिया कि चलो आपनों सब रो सामूहिक काम है, फिर भी आप सब क्षमा करो यदि कोई गलती रह गई हो तो, फिर भी आप जुड़ता रहे हो। नमस्कार। आखिर अपनी भाषा अपना लोग।